जानिए 12 राशियों पर मार्गी शनि का प्रभाव। एंती पर्वत पर बसी शनि की दुनिया से जानिए किन पर मेहरबान रहेंगे मार्गी शनि। स्वयंभू शनि के इस दिव्य लोक से जानिए किनको माला माल करेंगे मार्गी शनि। शनि के तांत्रिक स्वरूप से जानिए मार्गी शनि के 86 दिन किन पर भारी। शनि की अलौकिक दुनिया से जानिए मार्गी शनि की चाल किनका करेगी नुकसान। अब की बार मार्गी शनि क्या कुछ देंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शनिश्वरा शनिश्वरा दया बंधो शनिश्वरा। जी हाँ, न्यायाधीश कर्म फल दाता और दंड अधिकारी शनिदेव के इस धाम से मुरैना का शनिश्वर धाम से मैं कविता राणा और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आपका स्वागत करते हैं। ये शनि महाराज का एक ऐसा दिव्य अलौकिक धाम है जहाँ बसते हैं स्वयंभू शनिदेव, जहाँ बसते हैं तांत्रिक शनिदेव और जहाँ हजारों लाखों की संख्या में यहाँ हर माह मेला लगता है शनिदेव का। जी हाँ, मुरैना के शनि महाराज के इस धाम से आज हम आपको बताएंगे कि शनि की मार्गी चाल खासतौर पर मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आएंगे। जी हाँ, इस 23 अक्टूबर से शनि मार्गी हो गए हैं, मकर राशि में ही मार्गी हो गए हैं और देखिए 17 जनवरी तक रहेंगे। और 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक का जो ये समय है आप लोगों के लिए कैसा रहे, शनि की दया से क्या कुछ पाएंगे, क्या कुछ होएंगे, किन चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है, यही आज हम आचार्य जी से जानेंगे। सबसे पहले इस बात हो जाए शनि की इस मार्गी चाल के बारे में समझने की, बताइए जी। देखिए कविता जी, ग्रहों की दो चाल ज्योतिष शास्त्र में गिनी गई है, पहला मार्गी दूसरा वक्री। वक्री अवस्था में ग्रह अपनी उल्टी चाल में होता है, जो वह उसकी परस्पर दिशा है। जैसे कि हम मुख की दिशा में अग्रसर होते हैं तो जब हम पीछे की तरफ चलने का प्रयास करते हैं तो हम उल्टी चाल में गिना जाता है और उस समय हम आड़ी तिरछी चाल चलते हैं, मतलब हमारा प्रभाव थोड़ा सा इधर उधर होता है। लेकिन जब भी ग्रह अपने मार्गी अवस्था में आता है तो वह अपनी वास्तविक चाल में आता है, वास्तविक प्रभाव में आता है। तो कहा गया है कि वास्तविक चाल यानी कि मार्गी अवस्था में ग्रह जो है वह ज्यादा शुभकारी होता है तुलनात्मक अध्ययन में कि उसका वक्री अवस्था हो। तो इसलिए जो 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का जो समय है वह मकर राशि वालों के लिए एक शुभता का संकेत देकर अब जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए मकर राशि जो कि शनि की स्वराशि मानी जाती है और ऐसे में मकर में ही ये मार्गी रहेंगे, यानी कि आप ही राशि में मार्गी रहेंगे और मार्गी शनि आपको क्या कुछ दे रहा है। शनि के इस मंदिर से हम आपको बताएंगे कि आपकी सेहत पर मार्गी शनि कैसा असर डालेंगे, बताइए जी। देखिए हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अगर शनिदेव का या मार्गी अवस्था की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए मकर राशि वालों के लिए कविता जी, तो मार्गी अवस्था में बहुत ही शुभकारी होने वाला है। उसकी एक वजह है कि जब गुरु शनिदेव की जो मार्गी अवस्था है वह 23 अक्टूबर से लेकर के और 17 जनवरी तक, क्योंकि मकर राशि उनकी अपनी प्रिय राशि है और अपने प्रिय घर में जब वह मार्गी अवस्था में रहेंगे, जब वह वक्री अवस्था में थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत उथल पुथल किया मकर राशि वालों के लिए, लेकिन अब जब वह मार्गी अवस्था में आएंगे तो स्वास्थ्य में लाभ, दवाओं पे खर्च पे कंट्रोल और साथ ही साथ मानसिक पीड़ा से जो आप गुजर रहे थे मकर राशि के जातक, उनको वहां पर संतुष्टि का भाव मिलेगा और मानसिक शांति का पूर्ण आभास इस दौरान होगा कविता जी, जो अपने आप में परम आनंद और परम सुख का कारक बनता है कविता जी। चलिए ये तो बात की आपने कि आखिरकार किस तरह का सेहत पे इनका कैसा असर पड़ेगा, अगर मैं बात करूं इनके रिश्तों को लेकर कैसा रहेगा। देखिए संबंधों के विषय में, संबंधों के भाव पर अगर देखा जाए मकर राशि वालों के लिए, तो यह जो समय है मार्गी समय है वह विशेष रूप से पति पत्नी
और भाई बहनों के संबंध के लिए बहुत ही शुभकारी कल्याणकारी रहने वाला है। यहाँ पर प्रेम बढ़ेगा, प्रगाढ़ता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, साथ बढ़ेगा और सहयोगपूर्ण भावना से आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके एकदम से विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा लव रिलेशनशिप, पिता के संबंधों में और साथ ही साथ मित्रवत संबंधों में। कुछ ना कुछ भ्रम की स्थिति आएगी, भ्रम और मानसिक असंतुलन ना सही होने की वजह से, मानसिक रूप से दोनों के भाव सही नहीं होने की वजह से आप देखेंगे कि यह तीनों संबंध पूर्ण रूप से प्रभावित होंगे और इस पर पूर्णतया नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कविता जी, संबंधों के विषय में, चलिए आपने इनकी सेहत के बारे में बताया, संबंधों के विषय में बताया, अगर अब हम बात करेंगे काम कारोबार को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं, जो कि देखिए हम मुरैना के शनिश्वर मंदिर में हैं और ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि भाई इस मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या कहते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर सदियों पुराना नहीं है, बल्कि इसका जो संबंध है वो त्रेता युग से जुड़ा है, और वो इसलिए क्योंकि लंकापति रावण की कैद से शनि को छुड़ाने वाले कोई और नहीं थे, महाबली हनुमान थे, और महाबली हनुमान नहीं उनकी कैद से यानी कि रावण की कैद से शनि को छुड़ाकर यहीं पे मुरैना की धरती पर एंती पर्वत पर यहीं पे शनि को स्थापित किया, और शनि की स्वयंभू मूर्ति जो है वो उनका पिंड से पूरी तरह से निर्मित है, अपने आप में एक चमत्कारी मूर्ति है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है शनि का, जो भी श्रद्धालु जो यहाँ आता है वो कभी खाली होते हाथ नहीं लौटते, यानी कि शनि के दरबार से दंडाधिकारी न्यायाधीश के दरबार से कभी कोई श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटा है। और इनको तेल चढ़ाने से, शनि महाराज को तेल चढ़ाने से ना सिर्फ देखिए भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि कहते हैं कि आने वाला कष्ट भी अपने आप दूर हो जाता है। तो चलिए यहाँ तो बात हुई मंदिर को लेकर, अब आगे चलते बात हो जाएगी इनके काम कारोबार को लेकर। कारोबार के विषय में, काम के विषय में अगर देखा जाए कविता जी, तो 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का जो समय है, मार्गी समय, जो मार्गी काल रहेगा, क्योंकि 17 को गोचर कर जाएंगे कुंभ में, तो 17 जनवरी तक जो समय है वह विशेष रूप से इनके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। उसका एक मुख्य वजह है कि अभी ये 7.5 के चरण में है और शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो इनकी पूर्ण दृष्टि जो है, पूर्ण प्रभाव अब फिर से पड़ जाएगा, क्योंकि जो वक्री अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में थे, या कहीं कुछ जगहों पर वर्णन मिलता है कि यह मृत अवस्था में रहते हैं, तो वहां पर प्रभाव शून्य रहता है, लेकिन फिर से मार्गी अवस्था में जब आएंगे तो इनके लिए कार्य क्षेत्र में यह तनाव लेकर आएंगे। कैसे? व्यापारी बंद होंगे तो व्यापार का पैसा फंसना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप अपने व्यापार में पूंजी नहीं लगा पाएंगे। दूसरे तरीके से संकेत मिलता है कि व्यर्थ के खर्चे आपके ऊपर अधिक बढ़ेंगे, जिससे कि आपका आमदनी जो है वह कम रहेगी और खर्चे ज्यादा होने की वजह से आप कर्ज के अधीन चले जाएंगे। तीसरी चीज कि अगर आप नौकरी पेशा हैं और इस बीच इस मार्गी अवस्था में अगर बेवजह आप परिवर्तन करते हैं, छोटे मोटे लालच में आकर अगर नौकरी का परिवर्तन कर जाते हैं, तो फिर शनिदेव ही आपका कल्याण कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि यह हमने इसलिए कहा है कि अगर इस बीच आप परिवर्तन करते हैं तो हो सकता है कि आप स्थिरता जल्दी ना पाएं, आप भटकाव में ही रहें, तो आपके लिए इस बीच परिवर्तन ना करें यही उचित रहेगा। तो कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा सा देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए तनाव लेकर उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्गी अवस्था में। चलिए, ये तो आपने के काम कारोबार को लेकर बताया, शॉर्ट में समझना चाहूंगी कि क्या आर्थिक पक्ष पे भी शनि की मार्गी चाल इनको प्रभावित कर सकेगी? कविता जी, मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि कारोबार काम जो है वह आर्थिक पूर्णता की तरफ ले जाता है, तो अगर वह प्रभावित हो रहा है तो जाहिर सी बात है आर्थिक पक्ष प्रभावित होना चाहिए, लेकिन फल इसके विपरीत मिलेगा। मुख्य कारोबार से इनको कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शनिदेव क्योंकि अपने घर में है, अपने प्रभाव में है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ ऐसा अदृश्य जरिया दे देंगे अचानक से कि वहां से कुछ गुप्त धनार्जन इनके लिए हो जाएगा, तो आर्थिक पक्ष जो है वह मजबूत ही बना रहेगा, तो वहां पर इनको मुस्कुराने की पूर्णतया जरूरत है और वहां पर कोटिशय धन्यवाद करने की हमारे इष्ट शनिदेव जी को जरूरत है। तो चलिए आचार्य जी, जाते जाते शनि महाराज के दरबार से आप इन्हें क्या उपाय बताएंगे?
देखिए, अगर आप इस समय किसी भी तरीके की पीड़ा से परेशान हैं मकर राशि वाले, तो सबसे अच्छा है कि आप मजदूर वर्ग या स्वीपर क्लास, साफ सफाई कर्मचारियों की सेवा करें, या उनको वस्त्र और साथ ही साथ पैरों में पहनने के लिए जूते या चप्पल, जिस भी काबिल आप हों, वह आप दान करें। यह आपके जीवन में अभूतपूर्व लाभ देगा और कभी भी शनि पीड़ा से आप ज्यादा उलझेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे और वहां पर आपको वरीयता सुखों में मिलेगी। कविता जी, चलिए इसी के साथ मुरैना के इस शनिश्वर धाम से मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।